beautiful people, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. This is Preksha here. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ my top 10 effective monsoon skincare hacks. So आप लोगों को hacks वाले videos बहुत ज़्यादा पसंद हैं. So मैंने सोचा आप लोगों के लिए skincare hacks लेके आती हूँ. Monsoon आ चुका है. Monsoon में बहुत ज़्यादा हम enjoy भी करते हैं. But उसके साथ skin hair related problems आ जाती हैं. जैसे कि skin में acne pimple की problem होती है because of build up dirt and humidity increase हो जाती है. तो उसकी वजह से skin dry and dull भी दिखने लगती है. जल्दी से स्वेटिंग होने लगती है एंड मच मोर प्रॉब्लम्स होती है. सो उन सबको कैसे टैकल करना है, मैनेज करना है, स्किन को हेल्दी बनाना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए. मैं अपने चैनल में ब्यूटी, हेयर स्टाइल, हेयर केयर, स्किन केयर एंड फैशन स्टाइलिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं. सो अगर आप लोगों को इस फील्ड में इंटरेस्टेड है देन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. एंड या विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो. नंबर वन हैक इज मॉइस्चराइज योर स्किन थरली. इस मॉनसून सीजन में क्या होता है, ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीज हो जाती है. तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारी स्किन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा स्वेटी हो रही है एंड ह्यूमिडिटी इतनी इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी स्किन मॉइस्चराइज है. बट ऐसा नहीं है. आप लोगों को टाइम टू टाइम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है, ट्वाइस और थ्राइस अ डे. अगर आपकी ऑयली स्किन है देन ऑल्सो आपको अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है. एंड ये मैं तो अपने माइंड से बिल्कुल हटा दीजिए कि आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आप और मॉइस्चराइजर अप्लाई करोगे तो और भी ज़्यादा ऑयली हो जाएगी. नहीं, अगर आपकी स्किन ऑयली स्किन टाइप है देन ऑल्सो आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली की वजह पे बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज, ग्लोइंग रहेगी, सॉफ्ट एंड सपल रहेगी एंड ऑयली भी कम होगा आपका. एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है देन तो आपको अप्लाई करना ही है मॉइस्चराइजर. एक अच्छा सा माइल्ड मॉइस्चराइजर ले लीजिए जो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग बना हो. एंड मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि मॉनसून सीजन में यानी कि दिस वेदर में आप लोगों को लाइट वेट जेल कंसिस्टेंसी वाले मॉइस्चराइजर यूज करने चाहिए जो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं रहता उनमें. अगर आप लोग थिक मॉइस्चराइजर यूज करोगे तो एक्ने पिंपल के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं. इसलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड हैक. नंबर टिप नंबर 2, यूज हाइलुरोनिक एंड नाइसिनामाइड सीरम. ये सीरम आप लोगों को इसलिए यूज करना है जिससे आपकी स्किन और भी ज्यादा नरिश्ड हो. नाइसिनामाइड जो होता है एंड हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. अगर आपकी स्किन में एक्ने पिंपल टेक्सचर्ड स्किन है जैसे कि छोटे छोटे पिंपल जो हो जाते हैं, अगर वैसे प्रॉब्लम है तो आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए. मैं इसको यूज करी, मेरी स्किन में हेल्दी ग्लो आ रहा है. सो आप लोग भी डेफिनेटली वो वाले सीरम यूज करें अगर आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चर एंड नरिशमेंट चाहिए अपनी स्किन के लिए. हमारा हैक नंबर 3, टेक केयर ऑफ योर लिप्स. आपके फेस के साथ स्किन केयर के साथ आपके लिप्स भी आते हैं. आप अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज रखिए, नरिश रखिए, चैप्ड होने से बचाइए. तो आप लोगों को डेली नाइट में वैसलीन यूज करना चाहिए. वैसलीन आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करेगी. हम रात में सो जाते हैं, मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हमारी जितनी भी ड्राई एंड डेड स्किन होती है वो सब रिमूव हो जाएगी एंड आपके लिप्स सॉफ्ट एंड सफल हो जाएंगे. ऑल्सो गाइस आप एक अच्छा ऑर्गेनिक लिप बाम में इन्वेस्ट करिए एंड आपको डेली लिप बाम तो अप्लाई करना ही है. उसके साथ आप लोगों को ट्वाइस अ वीक लिप मास्क भी अप्लाई करना चाहिए जिससे जितनी भी डेड स्किन है आपके लिप्स में वो सब रिमूव हो जाएगी. आपकी जो लिप्स हैं उनको एक्सफोलिएट करना है आपको ट्वाइस अ वीक. आपको एक लिप मास्क अप्लाई करना चाहिए. आप मिल्क एंड हल्दी वाला लिप मास्क यूज कर सकते हो. मैंने भी शेयर किया अपने चैनल पे, तो मैं आई बटन पे भी शेयर कर दूंगी लिंक, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सब चेक कर सकते हो. मेरा पूरा लिप केयर रूटीन जिसमें मैंने आप लोगों के साथ लिप स्क्रब, लिप मास्क एंड लिप बाम जो मैंने DIY किया है, खुद घर पे बनाया है, वो आप लोगों के साथ शेयर किया, तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो. एंड इस टाइप से आप अपने लिप्स का भी ध्यान रखिए बिकॉज आपके फेस के साथ आपके लिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड इस टाइम पे लिप्स चैप्ड हो जाते हैं, हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं उन पर, बट हमें अच्छे से इनको मॉइस्चराइज एंड नरिश करके रखना चाहिए. नंबर हैक नंबर 4, यूज सनस्क्रीन. So guys, we all love healthy skin, don't we? But market में ऐसे products मिलते हैं जिसकी वजह से हमारी skin अच्छी दिखने की जगह पे damage हो जाती है because वो temporary solution में provide करती है. इसलिए हमें holistic solutions को find करना चाहिए जो हमारी skin को glowing बनाए from within, like our parents and grandparents. And हम old age recipe जो ancient times से ingredients products चलते आ रहे हैं उनको हम overlook कर देते हैं because of busy trends जो अभी चल रही हैं, recipes, new recipes जो आ रही है, उसकी वजह से हम इन सारी चीज़ों को overlook कर देते हैं. बट हमें ऐसा नहीं करना है. Because nothing matches the efficiency of Ayurveda. Ayurveda का मतलब ये नहीं कि सिर्फ oils and tablets. No, sun protection is probably the most overlooked aspect of skincare. But do you know जो unprotected exposure होता है जैसे कि UVA and UVB rays होती हैं, वो हमारी skin barrier को damage कर देती हैं. उसकी वजह से हमारी skin dull दिखने लगती है, ये uneven skin होने लगती है, pigmentation की problem start हो जाती है. इसलिए sun protection is must in every skincare and आपको sun protection अपनी CTM routine में definitely include करना चाहिए as your last step of
to skincare. Recently, I've been using an amazing sunscreen that is Ayuga 2% Chandam Sunscreen SPF 50 and PA++. It is clinically certified for its SPF value. इतनी अच्छी बात है. And ये sunscreen authentic Ayurvedic formulation से बनाई गई है, जो not only आपके जितने भी issues अभी मैंने आपके साथ share किए थे, उनको ठीक करने में help करेगी, but also आपके skin को brightening effect provide करेगी. इसमें natural moisture होता है जो आपके skin को मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छी है. And इसमें amazing ingredients है जैसे कि sandalwood. Sandalwood यानी कि चंदन, जो power packed है with anti-inflammatory properties. And sandalwood fight करता है with tanning and burning sensation जो हमारी skin में होती है. And इसमें ingredient है turmeric, which is rich in antioxidants. Turmeric prevents sun damage and it also helps in reducing pigmentation and हमारी skin को bright करने में help करता है. इसमें third ingredient है vetiver. Vetiver जो हमारी skin को moisturize करता है, skin को hydrate करने में help करता है by balancing its pH and correcting uneven skin tone. The last ingredient is manjushta, which is rich in antibacterial and antioxidant properties. Manjushta जो हमारे acne को heal करने में help करती है, skin infection से भी बचाती है and it has used to lighten skin and make complexion even for ages. And it is a power packed with amazing ingredients जो हमारी skin barrier को protect करेगी, skin को healthy को provide करेगी और उसकी skin को brightening effect भी देगी. ये आपको white cast भी नहीं देगी. Plus इसकी lightweight consistency जो आपकी skin को moisturize भी करेगी and protect करने में help करेगी. And ये non-greasing है, it has fast absorbing formula. ये सारी skin type के लिए perfect है. And also guys, the best part about Ayuga is that ये authentic Ayurvedic herbs and ingredients से अपने products बनाते हैं with modern formats. जिससे अभी का जो atmosphere और weather है, उस according हमारी skin में products अच्छे से work करें, absorb हों, आपके skin को desired results provide करें. इनकी जो चंदन रेंज है, उसको आप definitely try करिए. Because they bring the traditional wisdom of Vedas crafted by different experts, जो easy to use formats में बनाए गए हैं, जैसे कि face wash, face toner, face moisturizer, night gel, जो आप अपने daily skincare routine में भी include कर सकते हैं. मैंने इनको use किया है, इनकी smell इतनी प्यारी है, ये authentic 100% natural है, cruelty free है, so you should definitely check their products out, they are amazing. You can also purchase the products from Ayuga website itself, ayuga.in, and आप मेरा code use कर सकते हो Preksha20 to get 20% discount on their products. And ये discount आप लोगों को सिर्फ उनकी website से purchase करने पे ही मिलेगा. And Ayuga products are also available on Amazon, Nykaa and Flipkart, so आप लोग वहाँ से भी purchase कर सकते हो. And I will link all the products in the description, so you can check out from there. Number 5, follow a CTM routine, that is cleanser, toner and moisturizer. CTM के बारे आती है cleanser. हमें एक mild gentle cleanser use करना चाहिए अपने face को cleanse करने के लिए. And आप लोगों को at least 30 seconds तक अच्छे से अपने face को gently massage करके अपने face को clean करना चाहिए. आप double cleansing भी use कर सकते हो अगर आप लोग मेकअप यूज करते हो, जिससे आपका जो फेस है अच्छे से डीपली क्लीन हो जाए. उससे क्या होगा कि आपके जो पिंपल प्रॉब्लम होती है बहुत हद तक कम हो जाएगी. एंड जो नेचुरल है, सल्फेट पैराबेन फ्री है, सोप फ्री है. मेरी जो ड्राई स्किन, ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन टाइप है, तो मैंने उस अकॉर्डिंग अपना जेंटल क्लेंजर परचेज किया एंड देन अपने फेस पे अप्लाई किया. उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले. मेरे पिंपल, एक्ने, डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम रिड्यूस हुई एंड जो ब्लैकहेड्स होते हैं उसकी प्रॉब्लम भी मेरी रिड्यूस हो गई. नाउ सेकंड थिंग इज टोनर. टोनर आप लोगों को डेफिनेटली यूज करना चाहिए. टोनर आपके स्किन में जो pH है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है. एंड मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप यूज कर सकते हो चंदनम एंड रोज वाटर फेस मिस्ट एज वेल एज टोनर. फेस मिस्ट है बट ये आप टोनर की तरह इसको यूज करिए. मॉइस्चराइजर से पहले अप्लाई करिए, क्लेंजर के बाद अप्लाई करिए एंड यू विल सी इनक्रेडिबल रिजल्ट. इसकी फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी है एंड इसको बहुत अच्छा है. पैराबेन फ्री है, ऑथेंटिक आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स एंड फॉर्मूला से बनाया गया है. इसमें सैंडलवुड यानी कि चंदन, टर्मरिक है, रोज वाटर है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है. ये हमारी डल लाइफलेस स्किन को हाइड्रेट बूस्ट करता है, स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है, टोन करता है हमारी स्किन. दिस इज सुइटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. इसको आप लोग मेकअप के पहले, मेकअप के बाद, मेकअप के बीच में भी आप इसको यूज कर सकते हो. ये आपका मेकअप को सेट करने में भी हेल्प करेगा, स्किन को हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करेगा. नाउ सीटीएम का थर्ड थिंग इज मॉइस्चराइजर. आप लोग अपनी स्किन को थर्डली मॉइस्चराइज करना चाहिए विद माइल्ड नेचुरल मॉइस्चराइजर, जो आपके स्किन टाइप के लिए सुइटेबल हो, जो आपके स्किन में परफेक्टली वर्क करे. हैक नंबर 6, डोंट वेट योर फेस इन रेन वाटर. जैसे आप बारिश का बहुत इंजॉय कर रहे हो, मजा आता है आप लोगों को, बट आप लोगों को रेन वाटर है उसमें आपको अपने फेस को नहीं वेट करना है, गीला नहीं करना है, अपने बॉडी को गीला नहीं करना है. बिकॉज उसमें बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, जो हमारी स्किन में एंड पूरे बॉडी पे फ्रॉम द इन्फेक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, जर्म्स, बैक्टीरिया आएंगे, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. इसलिए आप लोग को अवॉइड करना है. अगर आप लोग गीले हो भी जाते, आपका फेस थोड़ा बहुत भी गीला हो जाता है रेन वाटर में, देन आप लोग को घर आके इमीडिएटली अपने फेस को वॉश करना है जेंटल क्लेंजर एंड देन मॉइस्चराइज इट. एंड बॉडी को, स्किन को, हेयर को क्लीन रखिए, वेट होने से बचाइए यानी कि गीले होने से बचाइए, ज्यादा से ज्यादा अपनी स्किन को ड्राई रखिए. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हैक नंबर 7, वॉश योर मेकअप ब्रशेस. आप लोग अपने मेकअप ब्रशेस को वॉश करना चाहिए एवरी वीक. बिकॉज हम जब मेकअप अप्लाई करते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट मेकअप प्रोडक्ट्स को, आई शेडोज को, यू नो, एक दूसरे के साथ ब्लेंड करके
हैं देन अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से हमारी स्किन बहुत डर्टी हो जाती है, जो पोर्स हैं उनमें बहुत सारा डर्ट ऑयल एक्युमुलेट हो जाता है, उसकी वजह से हमें एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप लोग अपने मेकअप ब्रशेस को अच्छे से क्लीन करें, बेबी शैम्पू, बेबी वॉश या बेबीज जो सोप्स आते हैं उनसे आप अपने मेकअप ब्रशेस को वॉश कर सकते हो। नाउ हैक नंबर 8, डोंट यूज सो मेनी प्रोडक्ट्स ऑन योर फेस। बहुत सारे आप लोग को प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना है इस वेदर में, बिकॉज आप जितनी ज्यादा अपने फेस पर प्रोडक्ट्स की लेयर बनाओगे उतनी ज्यादा आपकी स्किन ग्लो नहीं कर पाएगी, एंड उसकी वजह से पिंपल, एक्ने, ब्लैक हेयर्स, व्हाइट हेयर्स और पता नहीं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट हो सकती है। एंड सेम गोज विद मेकअप, अगर आप मेकअप यूज करते हो देन आप लोगों को सिर्फ कंसीलर यूज करना चाहिए, नहीं तो सिर्फ फाउंडेशन यूज करना चाहिए, दोनों को साथ में यूज नहीं करना चाहिए, उससे आपका स्किन ग्लो नहीं कर पाती है। सो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है, एक्ने, पिंपल एंड डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स को आपको क्रिएट नहीं करना है अननेसेसरी। So, इसलिए आप लोग लाइट मेकअप ही करिए, एंड अगर आप चाहते हो तो आप नो मेकअप लुक करिए, बेस्ट है इस वेदर के लिए। नंबर हैक नंबर 9, यूज क्ले मास्क। इस वेदर के लिए बेस्ट फेस मास्क जो होते हैं वो है क्ले मास्क। आप मुल्तानी मिट्टी, रोज वाटर को मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो, दैट इज ग्रेट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर्स एंड रोज वाटर या सिंपल वाटर, मिल्क कर्ड, इनको मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई करिए, आपके फेस पर बहुत अच्छा वर्क करेगा। क्ले मास्क एक अमेजिंग फेस रेमेडी होती है, आपके फेस से एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करेगा, आपके एक्ने पिंपल को सूट करने में हेल्प करेगा, इन्फ्लेमेशन में हेल्प करेगा, पिगमेंटेशन को हटाएगा, आपके स्किन में एक्सेस ऑयल है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। सो क्ले मास्क आर बेस्ट फॉर दिस वेदर। अगर आप चाहते हैं तो मैं आप लोग के लिए क्ले मास्क वाली रेसिपी शेयर कर दूंगी, सो यू कैन डेफिनेटली वॉच इट एंड यूज इट ऑन योर फेस। मैं यूज करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास अमेजिंग रेमेडी उसके लिए, सो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। एंड अगर आप भी चाहते हो कि मैं जल्दी से शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। नंबर लास्ट हैक इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अवॉइड ऑयली फूड्स। आप लोग को बहुत सारा पानी पीना चाहिए इस वेदर में, आप ज्यादा पानी पियोगे तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, टॉक्सिन रिमूव होंगे, नेचुरली आपकी स्किन ग्लोइंग बनेगी। सो गाइस, अगर आपके बॉडी से टॉक्सिन रिमूव होंगे तो आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम भी कम होगी, आपकी स्किन हेल्दी हाइड्रेट रहेगी हमेशा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत सारा पानी तो पीना चाहिए, एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे इज वेरी नेसेसरी फॉर आर बॉडी, जिससे हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाए एंड उसके साथ हमारे स्किन, हेयर एंड बॉडी अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी, हाइड्रेट रहेगी। एंड ऑल्सो सेकंड थिंग इज दैट कि आपको ऑयली फूड को अवॉइड करना है। आप लोग ऑयली फूड ज्यादा मत खाइए इस वेदर में। आई नो पकौड़ा, समोसा एंड बहुत सारे ऐसे ऑयली फूड होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं एंड पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है, बट आप लोग को ज्यादा नहीं खाना है, कम खाइए। अगर आपको एंजॉय करना है थोड़ा बहुत आप खा सकते हो, बट आप लोग को डेली बेसिस पे ऑयली फूड को रिड्यूस करना होगा, अपनी डाइट से हटाना होगा बिल्कुल भी, तभी आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, ग्लोइंग रहेगी एंड जैसी आपको स्किन चाहिए वैसी आपको मिलेगी। एंड ये जो सारी मैंने हैक्स एंड टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो बेसिक एंड इफेक्टिव हैं, वो आप लोग डेफिनेटली फॉलो करिए, यू विल सी इनक्रेडिबल रिजल्ट। आप लोग को 1 or 2 weeks में ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे अगर आप लोग ये सारी टिप्स को अच्छे से फॉलो करोगे रेगुलरली। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। पहले मैंने आप लोगों के साथ मॉनसून में स्किन, हेयर एंड बॉडी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना चाहिए वो सारी टिप्स एक ही वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर आप लोगों ने वीडियो चेक नहीं किया है देन डेफिनेटली गो अहेड, आई विल लिंक इन डिस्क्रिप्शन और इन आई बटन, सो यू कैन चेक अप फ्रॉम देयर। एंड गाइस, आई एम सो सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग एनी वीडियो, बिकॉज इस वीक में बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, अभी फाइनली थोड़ा अच्छा फील हो रहा है मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ जल्द से जल्द वीडियो शेयर करना है। एंड इससे पहले मेरे पास बहुत सारे वीडियोस लाइंड अप है, मैंने शूट तो कर लिए थे लेकिन मैं एडिट नहीं कर पा रही थी बिकॉज मैं बेड रेस्ट पे थी, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आई नो हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ को प्रायोरिटी रखना चाहिए, बट उसके साथ आप लोग के लिए भी वीडियोस बनाने थे, तो मैंने जल्दी जल्दी अपने हेल्थ को ठीक किया एंड मैं फाइनली अच्छा फील कर रही हूँ, तो आप लोग के लिए ये वीडियो भी शूट कर रही हूँ। होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। बहुत ज्यादा लेट हो गया, आई नो मुझे ये वीडियोस जुलाई में ही अपलोड करने थे, लाइक बिगनिंग ऑफ दिस मंथ, बट क्या हुआ कि डिले हो गया हेल्थ इश्यूज की वजह से। सो आई होप आप लोग इस चीज को समझ पाओगे। एंड ऑल्सो गाइस, यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल हियर। यहाँ पर अभी मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, अपने डेली अपडेट्स भी शेयर करती हूँ, फैशन से रिलेटेड पोस्ट एंड रील्स शेयर करती हूँ, डांस की वीडियोस शेयर करती हूँ। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। एंड ऑल्सो गाइस, आप लोग भी मुझे मेरे ब्लॉगिंग चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, बिकॉज मैं वहाँ पर प्रोडक्टिविटी, हाउ यू कैन पुट टुगेदर योर लाइफ, डेली रैंडम ब्लॉग्स एंड वो सारी चीजें मैं शेयर करती हूँ। सो यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी दैट एंड सब्सक्राइब दैट चैनल। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, कमेंट करके बताइए कौन सा हैक आपको बेस्ट लगा। एंड ऑल्सो गाइस, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर। मैं आप लोग के लिए अमेजिंग वीडियोस बनाऊंगी, आप लोग आइडियाज ड्रॉप करिए, वैसे ही आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करती रहूंगी। एंड दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।